हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रूम। मैं हूं गौरव और आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं हीलियो G99 वर्सेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले रिव्यू में यहाँ पे बात करेंगे सीपीएन गेमिंग परफॉर्मेंस स्कोर के साथ। तो सीपीयू स्कोर में यहाँ पे हीलियो G99 का स्कोर 45 के आसपास देखने को मिलता है, वहीं 680 का स्कोर 31 होगा। एंड नेक्स्ट गेमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हीलियो G99 का स्कोर 30 प्लस देखने को मिलेगा एंड स्नैपड्रैगन 680 का 19 मिलेगा। बैटरी लाइफ एंड अंतुतु की बात की जाए तो बैटरी लाइफ में यहाँ पे हीलियो G99 का स्कोर 84 है, वहीं स्नैपड्रैगन का 85 है। इसका मतलब है यहाँ पे दोनों की फैब्रिकेशन लगभग से सेम देखने को मिले सकती है। एंड अंतुतु की बात की जाए तो अंतुतु में हीलियो G99 का स्कोर है 379,356 एंड स्नैपड्रैगन का है 264,681। अब गीक बेंच की बात की जाए तो गीक बेंच में सबसे पहले बात करेंगे सिंगल कोर की। तो हीलियो G99 का स्कोर 550 निकल के आता है, वह स्नैपड्रैगन का 372। एंड नेक्स्ट मल्टी कोर की बात की जाए तो हीलियो G99 का स्कोर 1850 होगा एंड स्नैपड्रैगन का 1548। थ्री मार्क की भी बात की जाए तो थ्री मार्क में स्नैपड्रैगन का स्कोर काफ़ी कम होगा, जो कि है 443, जबकि मुझे लगता है हीलियो का जो है 1200 प्लस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो हीलियो G99 अनाउंस होता मई 2022 में, स्नैपड्रैगन अनाउंस होता अक्टूबर 2021 में। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695B6 साथ अनाउंस हुआ था, जो कि 5G प्रोसेसर है। अगर क्लास की बात की जाए तो यहाँ पे क्लास में दोनों प्रोसेसर मिड रेंज क्लास में देखने को मिलते हैं। अगर मॉडल नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 680 में उसका मॉडल नंबर है SM6225। वैसा मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं प्रोसेसर रिलेटेड वीडियोस एंड टॉपिक्स देता रहता हूँ। अब बात है अपने आर्किटेक्चर पे। यहाँ पे बात करें आर्किटेक्चर की तो दोनों प्रोसेसर ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हीलियो में 2 कोर 2.2 GHz कॉर्टेक्स A76 देखने को मिलते हैं, वहीं 6 कोर 2 GHz कॉर्टेक्स A55 देखने को मिलते हैं। स्नैपड्रैगन 680 की बात की जाए तो यहाँ पे 2 कोर 2.4 GHz क्रैड 265 गोल्ड कॉर्टेक्स A73 देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे 6 कोर 1.9 GHz क्रैड 265 सिल्वर कॉर्टेक्स A53 देखने को मिलते हैं। मीन्स यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज स्नैपड्रैगन काफ़ी मतलब बिगाड़ देखने को मिलेगा हीलियो G99 के कंपैरिजन में, क्योंकि बैटरी लाइफ यहाँ पे स्नैपड्रैगन का काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सीपीयू फ्रीक्वेंसी की। तो सीपीयू फ्रीक्वेंसी में हीलियो G99 का स्कोर 2200 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है, वहीं स्नैपड्रैगन जो है 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सीपीयू फैब्रिकेशन की बात की जाए तो हीलियो G99 एंड स्नैपड्रैगन दोनों का जो है 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे प्रोसेसिंग हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों की बैटरी लाइफ लगभग से सेम देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आते हैं अपने ग्राफिक्स की तरफ से। हीलियो G99 के जीपीयू का नाम है माली GP7M32, उसका आर्किटेक्चर है वॉलहॉल। एंड G680 के जीपीयू का नाम है Adreno 610 एंड इसका आर्किटेक्चर है Adreno 600। वहीं फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 680 की फ्रीक्वेंसी है 600 MHz, जबकि हीलियो G99 की फ्रीक्वेंसी हो सकता है इससे बेटर हो। एंड यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट की बात की जाए तो फ्लोटिंग पॉइंट मुझे जहाँ तक लगता है 680 का 100 प्लस होना चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेगा मुझे जहाँ तक लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं अपने गेमिंग पे। गेमिंग में बात की जाए तो यहाँ पे हीलियो G99 मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G पे एंड स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिला रियलमी 9i पे एंड शायद रियलमी 9 4G पे भी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बात करें पबजी मोबाइल की तो मैक्सिमम फ्रेम रेट यहाँ पे 40 एंड 30 का देखने को मिलेगा। एंड ग्राफिक्स की बात की जाए तो G99 RGI का सपोर्ट कर सकता है, जबकि 680 बैलेंस मीडियम तक ही गेम चला पाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सीडी मोबाइल की बात की जाए तो यहाँ पे हीलियो G99 में वेरी हाई के साथ हाई गेम आराम से चल जाती है, 40 FPS तक मैक्सिमम सपोर्ट है। एंड यहाँ पे स्नैपड्रैगन की बात की जाए तो 30 में मीडियम का ही सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेमोरी टाइप की बात की जाए तो रैम एंड रैम फ्रीक्वेंसी में हीलियो G99 भी बेटर है LPDDR4X, क्योंकि रैम फ्रीक्वेंसी 4266 MHz की है, जबकि स्नैपड्रैगन है LPDDR4X, क्योंकि रैम फ्रीक्वेंसी 2133 MHz की रह जाएगी। एंड यहाँ पे स्टोरेज टाइप सपोर्ट में भी हीलियो G99 UFS 2.2 के साथ है एंड स्नैपड्रैगन जो है UMC 5.1 प्लस UFS 2.2 के साथ है। मीन्स यहाँ पे कंपनी UMC 5.1 भी लगा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कैमरा एंड डिस्प्ले की, तो कैमरा में स्नैपड्रैगन जो है 1K 30 FPS के साथ काफ़ी पीछे हो जाएगा, जबकि हीलियो जो है 2K 30 FPS के साथ बेटर बन जाएगा दोनों में वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक। जबकि यहाँ पे डिस्प्ले में दोनों प्रोसेसर सेम देखने को मिलेंगे 2520x1080 pixels। अब यहाँ पे बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो दोनों ही प्रोसेसर 4G प्रोसेसर देखने मिलते हैं, जबकि 695 एक 5G प्रोसेसर था। एंड यहाँ पे बात करें 4G सपोर्ट की तो दोनों में 4G सपोर्ट में LTE 13 का सपोर्ट मिलता है। एंड ब्लूटूथ में भी यहाँ पे हीलियो बेटर है, जो कि ब्लूटूथ 5.2 के साथ आता है, स्नैपड्रैगन में ब्लूटूथ 5.1। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कनेक्टिविटी में स्पीड की, तो अब यहाँ पे हीलियो G99 में आपको लगभग 600 से 800 Mbps डाउनलोड की स्पीड देखने को मिलेगी, जबकि स्नैपड्रैगन में 390 की। एंड यहाँ पे बात करें अपलोड स्पीड की तो इसमें भी हीलियो बेटर होगा, जो कि स्पीड शो करेगा लगभग आपको 200 Mbps के आसपास एंड स्नैपड्रैगन 150। वैसे ये डेटा वेरी कर सकता है, मैं अपने आप से बता रहा था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियो प्लेलिस्ट इधर है, आप देख सकते हैं।